यूरिया खाद के कालाबाजारी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। किसानों को यूरिया खाद नहीं मिलने एवं कालाबाजारी रोकने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य के कांग्रेस सरकार को आड़े हाथे लेते हुए जमकर बरसे। यहाँ पे बता दें कि देश में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ किसान का मुख्य धंधा खेती है। यहाँ सबसे ज्यादा उर्वरक खाद यूरिया की खरीफ फसल में उपयोग किए जाते हैं। वहीं राज्य सरकार के द्वारा लिमिट प्रति एकड़ 2 बोरी खाद किए गए हैं, जहां किसान को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं रहे। यदि मिल भी रहे हैं तो निर्धारित रेट से 300 से 310 की जगह कोचियाओं के द्वारा दुगनी रेट यानी 650 रुपए में बेच रहे हैं, जिससे किसान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक तोखन साहू के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पूर्व विधायक ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेते हुए किसान विरोधी सरकार बताया और आगे कहा कि केंद्र के भाजपा सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद दे रहे हैं। यदि कालाबाजार नहीं रुकी या किसानों को पर्याप्त मात्रा में सरकार खाद उपलब्ध नहीं करती है तो रोड की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार होने की बात कही है। कार्यकर्ता और पूरे प्रदेश में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज एक दूसरे सरकार के द्वारा अभी तक किसी भी सोसाइटी में खाद उपलब्ध नहीं कराया गया। जो खाद सोसाइटी में आता है वो सीधे सीधे व्यापारियों के दुकान में चला जाता है, यानी काला बाजारी होता है। हम लगातार कह रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा खाद भेजा जा रहा है, आप सोसाइटी में खाद उपलब्ध किसी को करा दे रहे हो, खाद सीधा व्यापारियों के गोदाम में जा रहा है। हम काला बाजारी सरकार की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं और इसीलिए कार्यक्रम है कि सरकार काला बाजारी को समय पर और पूरे समय उपलब्ध कराए। पार्टी के प्रत्येक ये सरकार कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, केवल भ्रष्टाचार सड़क से लेकर लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और के लिए एक के साथ मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।